हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी और ये स्टोरी राजा रानी या फिर किसी हाथी और मगरमच्छ की नहीं है। दिस स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के खेल की भारत में शुरुआत कैसे हुई और फिर उसमें क्या चेंजेस हुए, ये सब हम इस चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट में जानेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल कृष्णा क्लासेस to get notifications about future videos. And now, let's delve deeper into the very interesting history of cricket in India. Cricket grew out of the many stick and ball games played in England 500 years ago. 500 साल पहले इंग्लैंड में बॉल और स्टिक से खेले जाने वाले कई सारे खेलों में से क्रिकेट का डेवलपमेंट हुआ। The word bat is an old English word That simply means stick or club. Bat एक English भाषा का पुराना शब्द है जिसका मतलब होता है छड़ी या बल्ला। By the 17th century, cricket had evolved enough to be recognizable as a distinct game. 17th century आते आते तक cricket इतना अधिक develop हो चुका था, इतना अधिक grow कर चुका था कि उसको एक separate game के तौर पर पहचाना जाने लगा था। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. 18th century के middle तक bats लगभग उसी shape के होते थे जैसे कि आजकल hockey sticks होती हैं, बाहर की तरफ थोड़ा सा मुड़े हुए, bottom पर, यानी सबसे नीचे के हिस्से पर वो बाहर की तरफ थोड़ा मुड़े हुए होते थे. There was a simple reason for this. इसका एक बहुत सिंपल रीजन था, बहुत साधारण सा कारण था। द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म, अंडर आर्म बॉलिंग की जाती थी अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ साथ, एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट। और बैट के आखिर में जो कर्व होता था, जो बैट का आखिरी हिस्सा थोड़ा घुमा हुआ होता था, उसकी वजह से बैट्समैन को सबसे बढ़िया मौका मिलता था कि वो बॉल को बैट से टकराने दे और फिर उसे आगे की तरफ फेंक सके। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on for 5 days and still end in a draw. क्रिकेट की एक peculiarity या strangeness ये है कि एक टेस्ट मैच 5 दिन चल सकता है और फिर भी ड्रॉ में समाप्त हो सकता है। ड्रॉ का मतलब है जब ये डिसाइड नहीं हो पाए कि कौन सी टीम जीती। No other modern team sport takes even half as much time to complete. दूसरा कोई भी modern team sport cricket के आधे के बराबर भी time नहीं लेता complete होने के लिए। A football match is generally over in an hour and a half. एक football match साधारणतया 1.5 घंटे में समाप्त हो जाता है। Even baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play a limited overs match. यहाँ तक कि baseball भी एक limited over match को खेलने में जितना समय लगता है उसके आधे से कम समय में 9 innings को complete कर लेता है। And a limited overs match is the shortened form of modern cricket. It is the shortened version of modern cricket. Limited over का match modern cricket का जबकि शॉर्टर्न्ड फॉर्म है, जबकि छोटा रूप है, तब भी उसको इतना समय लगता है कि उसके आधे से कम समय में तो बेसबॉल में 9 innings कंप्लीट हो जाती हैं। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड। एक और खास बात क्रिकेट की यह है कि पिच की जो लेंथ है या लंबाई है वो तो स्पेसिफाइड है, वो तो तय है, और वो है 22 yards and 1 yard is equal to 91.44 centimeter but the size or shape of the ground is not. लेकिन ग्राउंड का साइज क्या होगा या शेप क्या होगा वो डिसाइडेड नहीं है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया। बाकी सारे जो टीम स्पोर्ट्स हैं जैसे कि हॉकी या फुटबॉल, वो ले डाउन करते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं या उन्होंने तय कर रखा है प्लेइंग एरिया का डायमेंशन या साइज। क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द प्लेइंग एरिया।
जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा, क्रिकेट के ग्राउंड का शेप या साइज तय नहीं है. ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक चिपॉक इन चेन्नई. क्रिकेट का ग्राउंड ओवल भी हो सकता है, जैसे कि एडिलेड ओवल है ऑस्ट्रेलिया में. ओवल का मतलब होता है अंडाकार, तो क्रिकेट का ग्राउंड अंडाकार भी हो सकता है और नियरली सर्कुलर या फिर लगभग गोलाकार भी हो सकता है, लाइक चिपॉक इन चेन्नई, जैसा कि चिपॉक क्रिकेट ग्राउंड है चेन्नई में. अ सिक्स एट द मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. अब चूंकि साइज तय नहीं है, इसलिए मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में अगर सिक्सर लगता है तो उसे बहुत ग्राउंड कवर करना पड़ता है, यानी उसे बहुत लंबी दूरी बॉल को तय करनी पड़ती है. देन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली. लेकिन फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, वो छोटा ग्राउंड है, तो वहां पर एक सिक्सर को कम दूरी तय करनी पड़ती है. देयर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दीज ऑडिटीज. और इन दोनों ऑडिटीज, इन दोनों खासियतों के पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है, ऐतिहासिक कारण है. क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट टू बी कोडिफाइड. क्रिकेट ऐसा पहला आधुनिक टीम स्पोर्ट था जिसे कोडिफाइड किया गया, जिसे लिखित रूप में रखा गया. द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744 में सबसे पहली बार क्रिकेट के लॉज लिखे गए. दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अम्पायर्स हु शैल एब्सोल्यूटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. और इन नियमों में स्टेट किया गया था, कहा गया था, द प्रिंसिपल्स यानी जो मेन पर्सन होंगे, शैल चूज फ्रॉम अमंगस्ट द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अम्पायर्स. वहां पर जो भी जेंटलमैन प्रेजेंट होंगे उनके बीच में से वो दो अंपायरों को चुनेंगे. हु शैल एब्सोल्यूटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स. और ये दोनों अंपायर ही जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनको डिसाइड करेंगे. द स्टंप्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस देम 6 इंचेस. स्टंप्स की ऊंचाई 22 इंच होगी और स्टंप्स के ऊपर जो बेल रखे जाते हैं वो 6 इंच लंबे होंगे. द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 6 ounces. बॉल का वजन 5 से 6 औंस के बीच में होगा. एंड द टू सेट्स ऑफ स्टंप्स 22 yards apart. और पिच के दोनों तरफ जो स्टंप्स होते हैं उनके बीच में 22 यार्ड की दूरी होगी. द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बलडन इन द 1760s एंड द मेलबोर्न क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787. वर्ल्ड के पहले क्रिकेट क्लब की स्थापना हैम्बलडन में 1760s में हुई और मेलबोर्न क्रिकेट क्लब को एस्टैब्लिश किया गया 1787 में. ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड. 1760s और 1770s में ये कॉमन हो गया कि बॉल को एयर में उछाल के फेंका जाए रादर देन रोल इट अलोंग द ग्राउंड, बजाय इसके कि इसको ग्राउंड के सहारे सहारे लुढ़काया जाए. अर्लियर अंडर आर्म बॉलिंग वॉज डन बट नाउ द बॉल्स वर बींग थ्रोन इन द एयर. दिस चेंज गेव बॉलर्स द ऑप्शन ऑफ लेंथ डिसेप्शन थ्रू द एयर प्लस इंक्रीज पेस. अब इस चेंज की वजह से बॉलर्स के पास कई सारे ऑप्शन आ गए. दे कुड चूज द लेंथ, वो बॉल की लेंथ तय कर सकते थे. डिसेप्शन थ्रू द एयर, डिसेप्शन का मतलब होता है ट्रिक या तरकीब या धोखेबाजी. वो हवा में बॉल को ऐसे फेंक सकते थे कि बैट्समैन को पता ना चले कि बॉल कैसी आएगी. नाउ दे कुड डू स्पिन बॉलिंग. दे कुड ऑल्सो मेक द बॉल स्विंग एंड दे कुड ऑल्सो इंक्रीज द पेस और द स्पीड ऑफ द बॉल. अब वो बॉल की स्पीड भी बढ़ा सकते थे. इट ऑल्सो ओपन्ड न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग. जब बॉल को हवा में फेंका जाने लगा तो उसने नई पॉसिबिलिटीज, नई संभावनाएं बॉल को स्पिन कराने और स्विंग कराने की भी अवेलेबल करा दी. अब बॉलर के पास ये ऑप्शन था कि वो बॉल को चाहे तो स्पिन और स्विंग भी करा सकता था. इन रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सेलेक्शन.
और इसके प्रत्युत्तर में, इसके जवाब में बैट्समैन को टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन को मास्टर करना पड़ा। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, और इसका एक तात्कालिक परिणाम ये हुआ कि कर्व्ड बैट की जगह स्ट्रेट बैट ने ले ली, स्ट्रेट बैट को अब अपनाया गया। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 5.5 ounces एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches। क्रिकेट की बॉल का वजन 5 to 5.5 ounces के बीच तक सीमित था और बैट की चौड़ाई 4 inch थी। In 1774, the first leg before law was published. 1774 में सबसे पहली बार leg before law publish हुआ। Also around this time, लगभग इसी समय, a third stump became common. एक तीसरा stump common हो गया। पहले सिर्फ दो ही stump होते थे, अब stump में एक और stump भी जोड़ दिया गया और अब दोनों तरफ तीन तीन stump common हो गए। By 1780, 3 days had become the length of a major match. 1780s तक एक बड़े मैच की ड्यूरेशन 3 दिन हो गई। And this year also saw the creation of the first 6-seam cricket ball. और इस साल ने पहली बार 6 बार सिलाई वाली क्रिकेट की बॉल का क्रिएशन भी देखा। यानी इस साल पहली बार ऐसी बॉल बनी जिसमें 6 बार सिलाई हुई थी। If you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in rural England. अगर आप क्रिकेट का इक्विपमेंट देखो, जैसे कि किट, गियर, टूल्स, बॉल्स, बैट, स्टंप्स, तो you can see, आप देख सकते हो how cricket both changed with changing times, कि क्रिकेट कैसे टाइम्स के चेंज होने के साथ चेंज हुआ। And yet, और फिर भी fundamentally यानी basically remained true to its origins in rural England. लेकिन फिर भी उसका जो वास्तविक character है, जो उसकी शुरुआती पहचान थी, वो वैसी ही रही जैसे कि वो शुरू में थी। Cricket की शुरुआत England में देहात में हुई थी, rural areas में हुई थी, और इसीलिए cricket का basic character आज भी वैसा ही है। क्रिकेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ नेचुरल प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल्स। क्रिकेट के जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो नेचुरल मटेरियल से बनते हैं, प्री इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनते हैं, यानी उस मटेरियल से बनते हैं जो मटेरियल इंडस्ट्रीज के आने से पहले भी नेचर में अवेलेबल था। हम कह सकते हैं वो मैन मेड मटेरियल से नहीं बनते, नेचुरल मटेरियल से बनते हैं। द बैट इज मेड विद लेदर, ट्वाइन एंड कॉर्क। बैट को लेदर, ट्वाइन, रस्सी और कॉर्क से बनाया जाता है। इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड। आज भी बैट और बॉल को हाथ से बनाया जाता है और किसी इंडस्ट्री में वो नहीं बनते हैं। द मटेरियल ऑफ द बैट चेंज्ड स्लाइटली ओवर टाइम। बैट का मटेरियल समय के साथ थोड़ा चेंज हुआ है। वंस इट वॉज कट आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ वुड। एक समय पर इसे लकड़ी के एक ही टुकड़े से काट के बनाया जाता था। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ 2 pieces। आज बैट में 2 पीस होते हैं, यानी आज बैट 2 पीसेस से बनता है। द ब्लेड विच इज मेड आउट ऑफ द वुड ऑफ द विलो ट्री। ब्लेड जो कि विलो ट्री की वुड से बनता है। एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन। और हैंडल जो कि केन से या बैंत से बनाया जाता है। केन दैट बिकेम अवेलेबल एज यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स एंड ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन एशिया। केन वाज नॉट अवेलेबल इन यूरोप, बट जब यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट्स और ट्रेडिंग कंपनीज ने एशिया में एस्टैब्लिश किया खुद को, तो उसके साथ ही यूरोप में भी केन अवेलेबल हो गया और तब से बैट को 2 चीजों से बनाया जाता है, विलो ट्री की वुड से और केन से। अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड टू रिमेक इट्स टूल्स विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स। क्रिकेट हैज रिफ्यूज्ड, क्रिकेट ने अस्वीकार कर दिया है टू रिमेक इट्स टूल्स, अपने टूल्स को बनाना विद इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटेरियल्स।
इंसान के बनाए हुए मटेरियल से यानी सिंथेटिक और इंडस्ट्रियल मटेरियल से बनाने को क्रिकेट ने अस्वीकार कर दिया है। जहां तक टूल्स का प्रश्न है, वो इंडस्ट्रियल या मैनमेड मटेरियल से नहीं बनते, वो नेचुरल मटेरियल से ही बनाए जाते हैं। एंड क्रिकेट इज अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस इन दिस, और इस मामले में क्रिकेट गोल्फ और टेनिस की तरह नहीं है, क्योंकि गोल्फ और टेनिस के टूल्स इंडस्ट्रियल या फिर मैनमेड मटेरियल से बनते हैं। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल हैव बीन फर्मली रिजेक्टेड। प्लास्टिक, फाइबर ग्लास और मेटल को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया है। बट इन द मैटर ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, क्रिकेट हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन जहां तक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का सवाल है, उस मामले में क्रिकेट टेक्नोलॉजिकल चेंज से, तकनीकी परिवर्तन से प्रभावित हुआ है। द इन्वेंशन ऑफ वल्कनाइज्ड रबर लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ पैड्स इन 1848 एंड प्रोटेक्टिव ग्लव्स सून आफ्टरवर्ड्स। जब वल्कनाइज्ड रबर की खोज हुई तो उसके बाद 1848 में पैड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, पैड्स पहने जाने लगे और उसके कुछ ही समय बाद प्रोटेक्टिव ग्लव्स को भी अपनाया गया। एंड द मॉडर्न गेम वुड बी अनइमेजिनेबल विदाउट हेलमेट्स मेड आउट ऑफ मेटल एंड सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल्स। और आधुनिक क्रिकेट के खेल की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते बगैर हेलमेट्स के, और ये हेलमेट्स मेटल और सिंथेटिक लाइट वेट मटीरियल से बनाए जाते हैं। वल्कनाइजेशन इज केमिकली कंबाइनिंग द रबर एंड सल्फर। वल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें रबर को सल्फर के साथ कंबाइन किया जाता है। दिस इंक्रीजेस द रबर्स स्ट्रेंथ, और ऐसा करने से रबर की ताकत बढ़ जाती है, और फिर रबर को इंडस्ट्रियल यूज में, जैसे कि कारों के पहिए, ट्रक्स के पहिए आदि बनाने में काम में लाया जाता है। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। भारत में क्रिकेट की शुरुआत बॉम्बे में हुई। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वॉज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोस्ट्रियंस द पारसीज। और पहली भारतीय कम्युनिटी जिसने इस खेल को खेलना शुरू किया वो छोटी सी सोसाइटी थी ज़ोरोस्ट्रियंस या पारसियों की। पारसियों को ज़ोरोस्ट्रियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके स्पिरिचुअल लीडर का नाम ज़ोरोस्टर है। ब्रॉट इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज द पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। पारसी लोग ब्रिटिश लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे क्योंकि उनका इंटरेस्ट था व्यापार में, ट्रेड में, और वो पहली भारतीय कम्युनिटी थे जो वेस्टर्नाइज हो गए थे, जिन्होंने खान पान के और रहन सहन के वेस्टर्न तरीकों को अपना लिया था। इसीलिए पारसियों ने पहले भारतीय क्रिकेट क्लब द ओरिएंट क्रिकेट क्लब की स्थापना बॉम्बे में 1848 में की। और यहाँ पर इस पिक्चर में हम पहले पारसी क्रिकेट क्लब जिसने इंग्लैंड की यात्रा की थी के मेंबर्स की फोटो देख सकते हैं। पारसी क्लब्स वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड द वाडियास। पारसी क्लब्स की फंडिंग पारसी बिजनेसमैन जैसे कि टाटास या वाडियास के द्वारा की जाती थी। द वाइट क्रिकेट इलीट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। इलीट मीन्स प्रिविलेज्ड पर्संस या विशिष्ट वर्ग। भारत में जो वाइट लोग थे, जो वाइट क्रिकेट प्लेइंग इलीट ग्रुप था, जो गोरे लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे, दे ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। उन्होंने उत्साहित पारसियों की कोई मदद नहीं की। इनफैक्ट देयर वॉज अ क्वारल बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना, अ वाइट्स ओनली क्लब एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। इनफैक्ट यानी वास्तव में देयर वॉज अ क्वारल, एक झगड़ा हुआ था, एक विवाद हुआ था बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में। बॉम्बे जिमखाना वॉज अ वाइट्स ओनली क्लब, बॉम्बे जिमखाना सिर्फ गोरे लोगों का ही क्लब था, एंड दिस क्वारल वॉज अबाउट द यूज ऑफ ए पब्लिक पार्क। और ये झगड़ा एक पब्लिक पार्क के यूज को लेकर के हुआ था।
पब्लिक पार्क के इस्तेमाल को लेकर के ये झगड़ा बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटर्स के बीच में हुआ था। The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. The Parsis complained, Parsiyon ne shikayat ki that the park was left unfit for cricket. Ki wa park cricket ke liye unfit ho gaya tha, cricket khelne layak nahi reh gaya tha because the polo ponies of the Bombay Gymkhana. Kyunki Bombay Gymkhana club ki polo ponies या पोलो खेलने वाले घोड़ों ने डग अप द सरफेस मैदान को खोद दिया था। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced, जब ये स्पष्ट हो गया कि colonial authorities या ब्रिटिश officers prejudiced थे, उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण था in favor of their white compatriots, और वे अपने देश के गोरे लोगों के फेवर में थे। Compatriots माने अपने देश के निवासी। The Parsis built their own gymkhana to play cricket in. तब पारसियों ने अपना खुद का जिमखाना क्रिकेट खेलने के लिए बनाया। The rivalry or the competition between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. पारसियों और बॉम्बे जिमखाना के बीच कंपटीशन का भारतीय क्रिकेट के पायोनियर्स या भारतीय क्रिकेट की शुरुआत करने वाले पारसियों के लिए सुखद अंत हुआ। अ पारसी टीम बीट द बॉम्बे जिमखाना एट क्रिकेट इन 1889। एक पारसी टीम ने 1889 में बॉम्बे जिमखाना को हरा दिया। जस्ट फोर इयर्स आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना या फाउंडेशन के चार साल बाद ही हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज लकी टू हैव अमंगस्ट इट्स अर्ली लीडर्स द ग्रेट पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत भाग्यशाली थी कि इसके अर्ली लीडर्स में महान पारसी स्टेट्समैन या राजनेता और बुद्धिजीवी दादा भाई नौरोजी शामिल थे। Modern cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams. Modern या आधुनिक समय में क्रिकेट में टेस्ट मैच और one-day internationals जो नेशनल टीम्स के बीच खेले जाते हैं का बोलबाला है। The players who become famous, खिलाड़ी जो फेमस होते हैं वो live on in the memories of cricket's public, जो क्रिकेट में रुचि लेने वाली पब्लिक की यादों में जिंदा रहते हैं। आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए खेला होता है। सी के नायडू, एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज ग्रेट कंटेम्प्रेरीज लाइक पलवंकर विठल एंड पलवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन। सी के नायडू जो अपने समय के बेहतरीन बैट्समैन थे, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे, आज भी लोगों की कल्पना में, पॉपुलर इमेजिनेशन में जीवित हैं, जबकि उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके समकालीन खिलाड़ी जैसे कि पलवंकर विठल और पलवंकर बालू भुला दिए गए हैं। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932, यद्यपि जब नायडू ने 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत के लिए खेला, तब उनका क्रिकेट खेलने का प्राइम या सबसे बढ़िया समय जा चुका था। हिज प्लेस, उनका स्थान इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री, भारत के क्रिकेट इतिहास में इज एश्योर्ड, सुरक्षित है। बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो हमारे देश के पहले टेस्ट कैप्टन थे। इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932। इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 1932 में एंटर किया। अ डिकेड एंड हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। अ डिकेड एंड हाफ मींस 15 इयर्स। सो इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट 15 इयर्स बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। भारत ने
आजाद देश बनने के 15 साल पहले टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड में एंटर किया। दिस वॉज पॉसिबल, यह संभव था बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन्स इन 1877, टेस्ट क्रिकेट इसकी 1877 में शुरुआत से ही वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के अलग अलग हिस्सों में टूर्नामेंट या प्रतियोगिता के तौर पर ऑर्गेनाइज या आयोजित किया जाता था, नॉट सॉवरेन नेशंस, न कि सॉवरेन नेशंस या स्वतंत्र देशों के बीच। टेस्ट क्रिकेट इसकी 1877 में शुरुआत से ही ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में कॉन्टेस्ट के तौर पर आयोजित किया जाता था, न कि स्वतंत्र देशों के बीच। द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉज स्टिल अ व्हाइट सेटलर कॉलोनी। पहला टेस्ट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तब खेला गया था जब ऑस्ट्रेलिया व्हाइट सेटलर कॉलोनी या गोरे लोगों की बस्ती था। सिमिलरली, ठीक इसी प्रकार द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन, छोटे छोटे कैरेबियन देश, दैट जो टुगेदर मेकअप मिलकर के बनाते हैं द वेस्ट इंडीज टीम, वेस्ट इंडीज की टीम वर ब्रिटिश कॉलोनीज। वो ब्रिटिश कॉलोनीज थे टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बहुत बाद तक। और इस मैप में हम वो कैरेबियन कंट्रीज देख सकते हैं जो मिल करके एक टीम के तौर पर वर्ल्ड क्रिकेट में खेलते हैं, और उस टीम को वेस्ट इंडीज टीम के नाम से हम सब जानते हैं। टेलीविजन कवरेज चेंज द क्रिकेट, टीवी पर प्रसारण या टीवी पर टेलीकास्ट किए जाने ने क्रिकेट को बदल दिया। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इट आल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट्स सोशल बेस। इसने गेम के दर्शकों या ऑडियंस को एक्सपेंड किया या बढ़ा दिया, और ऐसा क्रिकेट को छोटे शहरों और गांवों में बीम किए जाने, टेलीकास्ट किए जाने की वजह से हुआ। इट आल्सो ब्रॉडेंड क्रिकेट्स सोशल बेस। जब टीवी पर मैचेस टेलीकास्ट होने लगे तो सभी तबके के लोग क्रिकेट खेलने लगे, देखने लगे, और इससे क्रिकेट का सोशल बेस भी बढ़ गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड द चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट, बच्चे जिन्हें पहले कभी इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिला था बिकॉज दे लिव्ड आउटसाइड द बिग सिटीज, क्योंकि वो बड़े शहरों के बाहर रहते थे, कुड नाउ वॉच एंड लर्न बाय इमिटेटिंग देयर हीरोज। वो अब देख और सीख सकते थे अपने हीरोज, यानी अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को इमिटेट करके या उनके जैसा खेलकर। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन, सैटेलाइट टेलीविजन की तकनीक एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज, और दुनिया भर में मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज की रीच या पहुंच ने क्रिएटेड अ ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। क्रिकेट के लिए इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट क्रिएट कर दिया। सैटेलाइट टेलीविजन के जरिए क्रिकेट का टेलीकास्ट पूरी दुनिया में होने लगा, और इससे क्रिकेट का मार्केट भी इंटरनेशनल हो गया। मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। सिडनी के मैचेस को अब सूरत में लाइव देखा जा सकता था, यानी ठीक उसी समय जब वो खेले जा रहे थे तभी देखा जा सकता था। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूअरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशंस एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। चूंकि भारत में क्रिकेट खेलने वाले देशों में से सबसे ज्यादा दर्शक थे और क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट था, द गेम्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया। इसलिए गेम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गेम की मेन लोकेशन अब साउथ एशिया या भारत हो गया। दिस शिफ्ट वॉज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। खेल में जो शिफ्ट या परिवर्तन हुआ आईसीसी के हेडक्वार्टर का, लंदन से टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट हो जाना उसी का प्रतीक था। पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन धीरे धीरे भारत में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, फिर दर्शक बढ़े, और इसके साथ ही आईसीसी का हेडक्वार्टर भी
दुबई में शिफ्ट हो गया। 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. 150 साल पहले भारतीय क्रिकेटर्स जो कि पारसी थे को खेलने के लिए खुली जगह ढूंढने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। टुडे द ग्लोबल मार्केट प्लेस हैज मेड इंडियन प्लेयर्स द बेस्ट पेड मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम। आज ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में फैले मार्केट प्लेस ने इस खेल में इंडियन प्लेयर्स को सबसे बढ़िया पैसे पाने वाला सबसे ज़्यादा फेमस क्रिकेटर्स बना दिया है। मैन फॉर होम द वर्ल्ड इज अ स्टेज, खिलाड़ी जिनके लिए पूरी दुनिया ही रंगमंच है। इसका मतलब यह है कि जब आज भारतीय क्रिकेटर्स खेलते हैं तो पूरे विश्व में उन्हें देखा जाता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन वॉज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर चेंजेस, इस ट्रांसफॉर्मेशन में इस बदलाव में कई छोटे छोटे चेंजेस शामिल थे। वन द रिप्लेसमेंट ऑफ द जेंटलमैनली एमेच्योर बाय द पेड प्रोफेशनल्स, जैसे कि जेंटलमैन एमेच्योर या शौकिया खेलने वालों की जगह प्रोफेशनल प्लेयर्स जिनको पैसे मिलते थे ने ले ली। टू द ट्रायम्फ ऑफ द वनडे गेम एज इट ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, वनडे गेम की जीत क्योंकि पॉपुलैरिटी में ये टेस्ट मैच के ऊपर छा गया। एंड थर्ड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा सबसे रिमार्केबल चेंज ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी में हुआ। डियर चिल्ड्रन, आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में वोकैबुलरी की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए आप सारे डिफिकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग्स और मीनिंग्स को ध्यान से लर्न करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जाने पर चैप्टर भले ही चेंज हो जाएंगे बट जो वोकैबुलरी आपने गेन की है वो आगे भी आपके काम आएगी। और हाँ, आप मेरे चैनल कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।